शिक्षकों को बूथ लेवल अधिकारी से मुक्त करने की मांग को लेकर बीएलओ संघर्ष समिति राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर आज मुख्यमंत्री को पोस्टकार्ड भेजने का अभियान शुरू किया गया। जिलाध्यक्ष दिनेश दत्त ने बताया कि शिक्षकों को विद्यालय में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है। सरकार उनसे बीएलओ बूथ लेवल अधिकारी सहित गैर शैक्षणिक कार्य कर रही है, इससे शिक्षक पढ़ाने के मूल काम से दूर हो रहे हैं। आज बीएलओ संघर्ष समिति राजस्थान जो हमारा ग्रुप है उसके प्रदेशाध्यक्ष अनुपम माथुर के द्वारा पूरे राज्य भर में पोस्ट कार्ड लिख कर के मुख्यमंत्री साहब को बीएलओ ड्यूटी से मुक्त करने का हमने निर्णय लिया है कि हमारी मांग है मुख्यमंत्री साहब से कि जिस प्रकार से बीएलओ को गैर शिक्षकों को बीएलओ के गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है उस प्रकार से न लगाते हुए शिक्षकों को अपना कार्य करने दिया जाए विद्यालयों के अंदर, जिससे बच्चों की शिक्षा का हनन ना हो। इसी के चलते पूरे राजस्थान भर में से हजारों पोस्ट कार्ड जो है आज मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेंगे। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव, चुनाव में भी रह गया एक वर्ष से कम समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 1 दिसंबर से जयपुर संभाग, रोजाना 2 विधानसभा, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे। स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से लगता है वो संबंध, जानकारी साझा करें। प्रारंभ कर रहे हैं हम अब जयपुर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उसे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे।